दोस्तों, स्वागत है आपका। और बात करते हैं इस वीडियो में, आपको पता होगा स्क्रीन पर ये जो लड़की दिखाई दे रही है, इसका नाम मंजू है और ये मेरिट होल्डर है। अभी SOG की जब कार्रवाइयाँ हुई थी, RPA ट्रेनिंग सेंटर से जब पकड़े गए थे, तो उनसे पहले जो है इनका वीडियो उत्कर्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर वायरल हुआ था, आपने देखा था, जिनमें बेसिक से सवालों के जवाब नहीं दे पाई थी। अब उसकी बात करेंगे कि अब इनको जो है, इनके साथ जो 11 ट्रेनिंग और ऑफिसर थे SI वाले, उनको ज़मानत मिल चुकी है। तो अब जहाँ एक और मुख्यमंत्री जी बात करते हैं कि अभी बड़े चेहरों का या फिर बड़े लोगों का नाम आना इसमें बाकी है, मदन दिलावर ने तो डोटासरा और अशोक गहलोत के गिरफ्तारी की बात भी कह दी थी कि ये गिरफ्तार होंगे। तो अब देखते हैं कि जब SOG के पास इस तरीके के पुख्ता सबूत ही नहीं हैं कि वो इनको जेल भिजवा सकते थे या रिमांड पर रखवा सकते थे, तो जो इनको जमानत मिल गई है, तो अब लोग कह रहे हैं अभ्यर्थी कि ऐसे तो मेहनत का बेरोज़गारों का क्या होगा। फिर एक तो वक्त निकलता है और फिर जब ऐसे निर्णय आते हैं तो निराश हो जाते हैं, ये कहने में था। इस बीच अब ऐसे ही भर्ती परीक्षा को लेकर फिर से अभ्यर्थी जो है रद्द करवाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, इनको जमानत मिल चुकी है, तो बात करें खबर की, देखिएगा। देखो, SI पेपर लीक केस अपडेट में बात करें, SI पेपर लीक केस में धुआंधार बल्लेबाजी कर रही SOG को आखिर कोर्ट के एक आदेश के बाद बैकफुट पर आना पड़ा। कोर्ट ने 11 ट्रेनी थानेदारों को जमानत दे दी, उनमें इंटरव्यू क्यून मंजू भी शामिल है, मैंने बताया, जो फोटो में आपको नजर आ रही थी। मंजू का वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ था, वो बेहद आसान से सवालों के जवाब भी नहीं दे सकी थी। इस मामले के बाद SOG पूरे केस पर मंथन कर भी जो है पूरे केस पर मंथन करके वापस से कोर्ट जाना चाह रही है। ठीक है, दरअसल SI भर्ती परीक्षा 2021 में पेपर खरीद और नकल डमी अभ्यर्थी बैठाने समेत तमाम मामले सामने आने के बाद SOG ने कई ट्रेनी थानेदार थे उनको अरेस्ट किया, अधिकतर जेल में है, कुछ फरार चल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं SOG की कार्रवाई में लूज पोल के चलते आरोपी पक्ष के वकीलों की कोर्ट में स्टैंड होने की जो है जगह मिल गई और 11 थानेदारों को जमानत दिलाने में वे सफल हो गए। ठीक है, जब इस मामले में लगातार गिरफ्तारियों के बाद CM भजनलाल ने SOG अफसरों की पूरी टीम को बुलाकर उनकी पीठ थपथपाई थी और कहा कि एक भी नकलची नहीं बचना चाहिए। CM ने यहाँ तक कहा कि अभी तो कई बड़े नाम आना बाकी है, लेकिन इस बीच 11 थानेदारों को जमानत मिल गई। कहीं ना कहीं मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों का मनोबल टूटा है। उल्लेखनीय है कि नई सरकार बनने के बाद SOG ने कई भर्ती परीक्षाओं में नकल का खुलासा किया, ऐसा ही भर्ती 2014 में भी जो है इसमें अरेस्ट किए गए थे। तो अब कहीं ना कहीं निराशा तो हुई है, क्योंकि उन्हें लगा कि पेपर भर्ती में इतने बड़े जब नाम सामने आ रहे हैं, जब इनको ऐसे पकड़े जाएंगे, तो लगेगा कि आगे से कोई ऐसे नहीं करेगा, जब जमानत इतनी आसानी से मिल जाएगी तो शायद निराश होंगे मेहनत करने वाले फिर से कि ये तो फिर कल को छूट के वापस आ जाएंगे, लेकिन हमारा क्या होने वाला है। तो दूसरी बात है, जब पहले जब इनको रिमांड के लिए कोर्ट में कहा गया, तो जज साहब उस वक्त भी बोल रहे थे, क्योंकि SOG ने जो स्केल अपनाया वो इन्होंने बेसिक क्वेश्चंस पूछे इन्होंने। लेकिन एक बात तो मैं भी यहाँ कहना चाहता हूँ कि अगर आपको, हम और आप पढ़ने वाले हैं, अगर आप 10 दिन किताबें नहीं पढ़े तो वो भी, और ज़्यादा दिन हो जाए तो आप बेसिक कंसेप्ट तक भूल जाते हैं कई चीज़ों का, कई लोग राजधानियाँ तक भूल जाते हैं। लेकिन उनके बाद ये 2021 की भर्ती है, 3 साल का लगभग इसमें गैप हो गया है। अब 3 साल तक अब वो ट्रेनिंग पे है, उन्होंने किताबें नहीं उठाई होगी, तो बेसिक सवालों के जवाब शायद नहीं दे पाए, इस बात को हम सिंपली समझते हैं। लेकिन इंटरव्यू के दौरान अगर बेसिक सवाल के जवाब नहीं पूछ दे पाए जिस वक्त तो तैयारी कर रहे थे, ये बात थोड़ी सोचने वाली है, यही थोड़ी जो है कहीं शक के दायरे में आ जाती है कि इतने बेसिक क्वेश्चन के जवाब नहीं दे पाए। लेकिन आज और उस माहौल के हिसाब से देखा जाए तो मैं भी इसमें पक्षधर हूँ इस बात का कि 3 साल के गैप में अगर आप वापस उनका एग्जामिन करते हैं और उनसे प्रश्न पूछते हैं बेसिक सवालों के, तो कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी अच्छा पढ़ता हो, सभी मेरिट होल्डर हैं जो, लेकिन अब उन सवालों के जवाब वैसे नहीं दे पाएंगे जैसे वो पहले दे के आए थे। क्योंकि जब
पढ़ाई में जब रूटीन में गैप हो जाता है, कंटिन्यू नहीं होती, अभ्यास नहीं होता, तो हम चीज़ें भूल जाते हैं, सवाल भूल जाते हैं, कंसेप्ट भूल जाते हैं। इस बात से आप भी सहमत होंगे, लेकिन हाँ, लेकिन गलत किया है तो उनके खिलाफ जो है पेपर देने के सोर्सेज, तरीके, प्रोसेस, वो किसको दिया वो पता करना चाहिए। SOG को और मंथन करना चाहिए, काम करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं जिस विषय पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। नमस्कार।